अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। यहाँ पे टाइम हुआ था 2:30 बजे का, जब मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैं बना रही थी सालन, और सालन में मैंने बनाया था चिकन शोरबे वाला। बस ये यहाँ पे तैयार हो गया था, बस एंड पे यहाँ पे मैंने मेथी, सूखा धनिया और सूखा ज़ीरा डाला, और साथ इसके साथ साथ मैं बना रही थी लजीज़ा खीर जो मिक्स मिलती है वो, और ये बना रही थी जो कि अभी नहीं हुई थी, 50% बनी थी। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने कट कर लिया था सलाद, जिसमें थे खीरे, टमाटर और प्याज, क्योंकि आज हमारे घर ग्रिल वाले लगे थे जो कि ग्रिल लगा रहे थे ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में। क्योंकि हमारे घर जब भी कोई गेस्ट आता था तो हमें यही टेंशन होती थी, अगर ख़ास तौर पर जिसके साथ बच्चा हो ना, हमें यही टेंशन होती कि कोई गिर जाएगा, किसी को लग जाएगी। तो जब हम ऊपर वाले घर में शिफ्ट हुए थे तो हमारा ये काम नहीं हुआ था, हम बहुत जल्दी में ऊपर शिफ्ट हो गए थे। अभी हमारा बहुत सा काम अभी रहता है जो हमने अभी करवाना है। हमने स्टोर वगैरह नहीं बनाया, तो लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम था वो ग्रिल का था, तो इस वजह से सबसे पहले हमने अपनी ऊपर ग्रिल ही लगवानी थी, तो आज वही हम लगवा रहे थे और ये खाना उनके लिए बना रहे थे। और बहुत देर हो गया था, बहुत ज़्यादा देर हो गया था। सब यही कह रहे थे कि उनको इतनी भूख लगी होगी, अभी तक खाना नहीं बना। और यहाँ पर जब मैं रोटी बना रही थी ना, तब टाइम हो गया था 3:15, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। फिर उसके बाद उनको खाना दे दिया था, खाना तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने खाना खाया था, बाकी काम उन्होंने फिर किया। फिर मैं सो गई थी और जब उठी तो काम करने वाले काम कर कर चले गए थे, और यहाँ पे मैं, भाई और आप ही जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आप ही के शूज़ जो थे ऑफिस के वो ख़राब हो गए थे, तो उसने लेने थे नए शूज़ और हम जा रहे थे कमर्शियल। तो सबसे पहले हमने ATM में से पैसे निकलवाए, और फिर मैंने कहा अब हम कमर्शियल जा ही रहे हैं तो बाकी भी जो हमारे काम हैं हम वो कर लेते हैं, क्योंकि कज़न की शादी है तो उसके ट्रिप पर जो ड्रेसेस पहनने हैं हम वो भी पता कर लेंगे, अगर कोई पसंद आ गया तो हम ले लेंगे। फिर खैर सबसे पहले हम बाटा की शॉप पे गए आप ही के शूज़ों के लिए, और यहाँ पे हमें उसके शूज़ नहीं मिले क्योंकि इसका साइज़ नहीं था और डिज़ाइन भी कुछ इतने ख़ास नहीं थे, तो हमने नहीं ले। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी तो हमें वहाँ भी जाना था, हमें रेट्स पता करने थे कि मार्केट में आजकल क्या रेट्स है फ्रिज के, ओवन के, वॉशिंग मशीन पे। खैर यहाँ पर फ्रिज पर तो 20% ऑफ था, उसके अलावा हर चीज़ इतनी महंगी थी, इतनी महंगी थी, जो चीज़ हमें पसंद आ रही थी वो 50,000 से ऊपर की थी। और मुझे यहाँ पे जाके पता चला कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, घर रह के तो नहीं पता चल रहा था कि महंगाई हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। फिर उसके बाद हम निडोर पे आए, निडोर पे भी सेम वही हुआ, हमें डिज़ाइन तो पसंद आया बट साइज़ अवेलेबल नहीं था। साथ ही था राबी सेंटर, तो हम राबी सेंटर पे आ गए थे, और यहाँ पे क्या ब्राइडल की कलेक्शन थी, लाइक बारात के ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, वलीमे के ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, मेहंदी के ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, लाइक ब्राइडल के ड्रेसेस बहुत अच्छे थे। उसके अलावा बस 50-50 था, और जो हमें एक ड्रेस पसंद आया वो ड्रेस हम उन्होंने हमें बताया कि 14,000 के। अगर तो आप पिंडी में रहते हो ना, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको जब भी कोई ड्रेस लेना है तो आप राजा बाज़ार जाओ, वो राबी से बहुत रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, और आपको इजीली वहाँ से आपके डिज़ाइन के कपड़े भी मिल जाएंगे। यहाँ पर तो बहुत महंगाई थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन खैर हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। यहाँ से निकलने के बाद हमने सामने ही एक रेड़ी वाला था, वहाँ से लिया लेमन सोडा, क्योंकि पहले तो हम मिंट कह रहे थे और मिंट वो कह रहा था ख़त्म हो गया है, फिर हमने कहा अब हमें इतनी प्यास लगी है आप हमें लेमन सोडा ही दे दो, तो बस यहाँ पे उसने बनाया लेमन सोडा। लेमन सोडा ले पीने के बाद हम निकले अगे राबी टू की तरफ, और राबी टू पे भी हमें कुछ भी नहीं पसंद आया, लिटरली इतनी महंगाई हो गई है कि हमें पता ही नहीं था। लेकिन जब अब शादियां शुरू हुई हैं और अब शॉपिंग करना हमने स्टार्ट किया तो हमें तब पता चल रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके बाद हम गए मेट्रो पे, मेट्रो पे क्योंकि शूज़ नहीं आप ही के मिले थे, तो यहाँ मेट्रो पे हमें एक शूज़ पसंद आए, वो 3,000 के थे, और उसके अलावा भी एक डिज़ाइन पसंद आया था, वो 35,000 का था। खैर यहाँ से हमने कहा कि हम कहीं और भी देख लेते हैं, अगर शायद हमें रीज़नेबल मिल जाए तो हम कहीं और से ले लेंगे, अगर हमें मिल जाए तो। खैर हमें एक ये ब्लैक शूज़ पसंद आया था, और एक इसी में एक और था वो पसंद आया था, यहाँ पे करी थी आप ही चेक। फिर उसके बाद हम स्टाइलों में गए, क्योंकि स्टाइलों में भी 50% ऑफ था,
तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल नहीं पसंद आया, और यहाँ पे जो हमें एक पसंद आया वो मैक्सिमम 4000 का था, तो हमने कहा इतना ज़्यादा महंगा। खैर हमने फिर वापस मेट्रो पे गए, वहाँ से वो 3000 वाला लिया। उसके बाद यहाँ पे कमर्शियल के सुपर दही भले बहुत मशहूर हैं, यहाँ पे आके हमने खाए गोलगप्पे, इनके फेमस गोलगप्पे जो कि हमेशा हम जब भी आते हैं कमर्शियल ज़रूर खाते हैं। आज का व्लॉग मेरा था यहीं तक, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल।